हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानो। आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम बच्चों को बिना फ़ोन या टीवी के खाना कैसे खिलाएं, क्योंकि जो ये अभी एज चल रही है इसके अंदर सारे बच्चे ऑलमोस्ट 80% बच्चे ऐसे होंगे, 80% के 90% बच्चे ऐसे होंगे जो कि फ़ोन या टीवी देख के ही खाना खाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि वो बिना उनको बिना मोबाइल या बिना टीवी दिखाए हम उसे खाना खिला सकें। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपकी हेल्प करेंगे बच्चे को बिना टीवी दिखाए खाना खिलाने में। तो फर्स्ट फर्स्ट क्या होता है, मेरा फर्स्ट जो टिप होगा वो ये है कि अब पहले अपनी आदत सुधारें। होता क्या है कि जब से ये हुआ है फोन जियो, जब से नेट इतना ज़्यादा अवेलेबल होने लगा है, तब से क्या हो रहा है कि हम खुद इतना फ़ोन चलाने लग गए हैं। जब हम इतना फ़ोन चलाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चे हमको देख कर ही फ़ोन चलाते हैं, क्योंकि बच्चे सिर्फ कॉपी करते हैं। क्योंकि हम ह्यूमंस की एक आदत होती है कि हम दूसरों को देख के कॉपी करते हैं, और सेम यही आदत हमारे बच्चे हमसे लेते हैं। तो फर्स्ट ये है कि हम अपनी आदत को सुधारें, क्योंकि हम भी ऐसे ही हो गए हैं। जैसे हमारे टाइम पर ज़्यादा टीवी ज़्यादा चलती थी तो हम भी टीवी देख के ही खाना खाते थे, या अभी भी हम टीवी देख के ही खाना खाते हैं। तो ये बहुत गलत है। तो वही चीज बच्चा सीखता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। हमें सिर्फ अपना बच्चा दिखता है कि वो टीवी देख रहा है या वो फोन देख रहा है, तो हमें वो ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन जबकि हम भी सेम यही चीज कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने आप को सुधारना होगा हमें, कि हमें बिना टीवी और बिना फोन के खाना खाना खुद को स्टार्ट करना पड़ेगा, तब बच्चे करेंगे। और आप यूज़ भी उनको थोड़ा कम, जब आप कम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो बच्चे का भी ऑटोमेटिक कम यूज़ करेगा। अब मैंने एक कहीं पढ़ा था कि एक ट्रेन के अंदर एक महिला होती है, वो जाती रहती है, तो उसका बच्चा उसके साथ बुक पढ़ रहा होता है। तो यात्री पूछते हैं कि यार आपका बच्चा तो बड़ा अच्छा है, ये तो बुक्स मतलब पढ़ रहा है। छोटा बच्चा होता है, पढ़ना नहीं आता उसे, बट वो फिर भी बुक्स लेके बैठा रहता है, क्योंकि बच्चे देखते रहते हैं जो भी उनमें पिक्चर्स होती है। तो वो जब उनसे कोई पूछता है साथ में जो ट्रैवल कर रहा होता है, तो वो बोलते हैं कि बच्चा वही सीखता है जो हम करते हैं। तो मैंने शुरू से बुक्स पढ़ी है इसके सामने, तो ये भी बुक्स ही पढ़ता है। तो बच्चा वही करता है जो हम करते हैं, या हमारे आसपास जो लोग करते हैं। हम लोगों को नहीं सुधार सकते, लेकिन हम अपने ऊपर वर्क करें सबसे पहले, तो हमें खुद की आदत बदलनी होगी। सेकेंड चीज़ आता है कि आप बच्चे के ब्रेकफास्ट और लंच में गैप रखें, मतलब कि ऐसा ना हो कि बच्चा भूखा ही नहीं है। जैसे कुछ भी बच्चे ने अटरम शटरम खा लिया, जैसे बच्चे ने चिप्स वगैरह खा ली है या कुछ भी खा लिया है, और उसके बाद आप सोच रहे हो कि मैं खाना खिलाऊंगी, क्यों नहीं खा रहा है, तो उसे जब उसका ब्रेकफास्ट हो और जो उसके लंच हो, उन दोनों में गैप होना चाहिए, ताकि जब भी आप उसको लंच करवाएं या फिर जब भी आपने उसे ब्रेकफास्ट करवाया, मान लो ब्रेकफास्ट में उसने दूध पी लिया या फिर कुछ और खाता है बच्चा दूध के साथ, तो वो खा जाए, उसके बाद जब आप उसके अलावा जब आप उसको खिलाने लगो, जब आपने मिड स्नैक भी दे दिया, जैसे आपने एप्पल वगैरह दे दी, उसने दूध पिया, फिर आपने एप्पल वगैरह दे दिया, फिर आपने कुछ भी भूखा हुआ बना के दे दिया, फिर लंच में उसे भूख ही नहीं लगती है, फिर आप सोचते बच्चा खा ही नहीं रहा है, तो पहले उसको भूखा थोड़ा होने दे। ऐसा नहीं कि वो भूख से मर रहा हो, लेकिन थोड़ा बहुत भूखा होने, जब लंच और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जब गैप होगा तब बच्चा ऑटोमेटिकली, भूख लगेगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली खाएगा। तो ये गलती ना करें। माएँ क्या करती है, बच्चों का पेट भरा हुआ होता है और उनकी ज़बरदस्ती पीछे पड़ रही होती, तो वैसे भी बच्चा नहीं खाता है। और वो आप फ़ोन दे देते हो इस चक्कर में, वो तो कुछ भी खा लेता है, उसको लगता है कि हाँ मेरे को फ़ोन देखने को मिलेगा, इसलिए उसका पेट भरा हुआ होता तो भी वो खा लेता है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हम उनके ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में गैप रखें। थर्ड चीज़ आती है कि जब भी आप स्टार्ट करें उसको बिना फ़ोन या टीवी के खाना खिलाना, तो आप पहले उसकी फेवरेट डिश बनाएं, कुछ भी जो उसको पसंद हो, या उसे पूड़ी पसंद है या उसे पराठे पसंद है, जो भी उसे पसंद है पहले आप वो चीज़ बनाएं, उसके बाद आप ये ट्राई करें। ऐसा नहीं हो जो उस चीज़ पसंद ही नहीं है और आप वो खिलाने की कोशिश करें तो बच्चा नहीं खाएगा। सबसे पहला ये है कि आप उसको कोई फेवरेट जो भी उसको पसंद हो वही चीज़ उसके लिए बनाएं, तो वो फिर आपको टीवी या फ़ोन चलाना थोड़ा ईजी हो जाएगा। जब आप रोज़ ऐसा करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली उसका टीवी या फोन चुराना बहुत इजी हो जाएगा। मेरे साथ भी यही था कि मेरा बेटा बिना फोन और टीवी के खाना नहीं खाता था, तो मैंने उसके साथ धीरे धीरे सारे स्टेप्स अपनाए, तो बच्चा ऑटोमेटिकली आज वो बिना फोन टीवी के खाना खा लेता है। थर्ड आता उसके बाद आता है कि आप उसके साथ बैठ के खाना खाएं। अब जैसे हम क्या करते हैं कि पहले बच्चे को खिला देते हैं फिर अपन खा लेते हैं, तो ऐसे बच्चे कभी नहीं खाएंगे। इससे अच्छा तो ये है कि आप सारे घर वाले साथ बैठ के खाना खाएं, क्योंकि बच्चा जो देखता है तभी वो करता है। जैसे पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो बच्चों के पीछे ऐसा कोई नहीं भागता था, पहले कोई फ़ोन टीवी नहीं दिखाते थे उन बच्चों को, तो वो बच्चे फिर भी खाते थे, उनको भूख लगती थी वो खाते थे। क्यों? क्योंकि वो बच्चों माँ बाप को देखते थे खाते हुए, उनको वो सेम उनकी नकल करते। जब बच्चा देखेगा ही नहीं किसी को खाते हुए तो बच्चा कैसे खाएगा। सबसे बेस्ट ये है कि आप बच्चे के साथ
साथ ही खाएं, चाहे सुबह, चाहे आप एक टाइम नहीं खा पाए तो एक टाइम तो आप खा ही सकते हैं। जैसे डिनर तो आप सब साथ कर ही सकते हैं, जैसे मान लो आप लंच नहीं कर सकते पर आप डिनर सब साथ कर ही सकते हो, तो हमेशा डिनर सब साथ करें, पापा मम्मी जो भी घर में लोग हैं सब साथ करें। तो उससे क्या बच्चा जब सबको खाते हुए देखेगा तो वो खुद भी बिना टीवी फ़ोन के खाना स्टार्ट करेगा, कि सीधा उसको ले जाके कमरे में बिठा के खिलाने से कोई मतलब होगा नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि आप बच्चे को जब आप जैसे मान लो आप उसे खिलाने ले जा रहे हो, आपने सब कुछ कर लिया, आप जैसे आपने टीवी नहीं चलाते हो, आप उसके बाद खाने बैठ रहे हो, तो सबसे बेस्ट ये होगा कि आप उसे कोई ऐसे टॉयज दे जो उसको बहुत पसंद आए, है ना, जो उसको पसंदीदा टॉयज हो वो ला के दे, बट उसे सिर्फ खाना खाते टाइम ही दे, ताकि वो उसी टाइम उसका ध्यान सारा खिलौनों में लगा रहे और वो बिना टीवी फ़ोन के खाना स्टार्ट हो जाए। वो होता है कि जब अपन उसको फेवरेट दे देंगे तो वो उसी में ध्यान रहेगा, वो टीवी और फ़ोन हमें मांगेगा ही नहीं। जैसे यहाँ के लिए ऐसा हुआ मेरे साथ कि उसे आटे का बड़ा शौक था, जैसे मम्मा रोटी बनाते तो उसे रोटी बनाने का बड़ा शौक था, तो मैं उसे थोड़ा सा आटा दे देती थी, जैसे मैंने खाना बना लिया तो मैं थोड़ा सा रखती थी उसके लिए, थोड़ा सा आटा उसे दे देती थी, पूरा टाइम वो उससे खेलता रहेगा। मैं उसके थाली के अंदर सब एक एक घास वो तोड़ के नहीं खाता, तो मैं उसके तोड़ के टुकड़े रख देती हूँ सारे, तो उसमें से उठा उठा के खाता जाएगा और इधर खेलता जाएगा, फिर उठाता जाएगा खाता जाएगा और फिर खेलता जाएगा, इससे वो खुद भी खा रहा है और खेलता भी जा रहा है। तो उसका जो भी फेवरेट टॉय हो, अगर उसे आटा नहीं पसंद है तो आप उसको जो भी फेवरेट टॉय हो वो दे दो, बल्कि बच्चों को आटा सबको पसंद होता है क्योंकि आहन को बहुत पसंद था और भी बच्चों को पसंद होता है, तो आहन तो सिर्फ उससे खेलता रहता है और अपना खाना खाता रहता है। तो जो टॉयज वाला जो काम है ना वो बहुत जल्दी वर्क करेगा। अब बच्चे का सिर्फ आपको माइंड डाइवर्ट करना है, होता क्या है कि फ़ोन में वो लग जाते हैं, वैसे ही उनको कुछ इंटरेस्टिंग आपको बाहर क्रिएट करना है जिससे उनको अच्छा लगेगा, तो वो खेलते रहेंगे और इधर साइड में खाते रहेंगे, क्योंकि उनको कुछ चाहिए उस टाइम, उनकी आदत ऐसी हो चुकी है। तो धीरे धीरे जब हम टीवी उससे निकालेंगे फिर धीरे धीरे उनको पता चलने लगेगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप बच्चे को जैसे मान लो आपने उसका फेवरेट फूड बना दिया है, या फिर आपने टीवी छोड़ दी है, आप मोबाइल उसके सामने नहीं चलाते हो या खाना खाते टाइम नहीं चलाते हो, उसके बाद भी वो खाना नहीं खा रहा है, तो इसका सबसे अच्छा ये टिप होगा और ये तो 100% वर्क करती है कि आप उसे जैसे शाम का टाइम है या सुबह का टाइम है, आपने उसको खाना दिया, ब्रेकफास्ट दिया, आपने उसके सामने रख दिया, अगर वो खाता है तो ठीक है, अगर छोटा बच्चा है तो अगर वो खाता है तो ठीक है, वरना उसको रहने दो। फिर उसने नहीं खाया, आप प्लेट आधा घंटा उसके सामने रखो फिर हटा के ले जाओ। सेकंड, जो मील का टाइम है उसी मील के टाइम पे आप उसको खाना दो, उसके बीच में आप बिल्कुल खाना मत दो। जैसे आपने ब्रेकफास्ट में रखा उसने नहीं खाया, उसके बाद सीधा आप लंच में दो, अगर वो लंच में भूखा होगा तो खाएगा, और मान लो फिर भी वो नहीं खाता है तो उसके बाद आप डिनर में जब आप दोगे तो पक्का खाएगा। और ये आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, ये रूल शायद 3 दिन के लिए होता है कि आप 3 दिन तक ये करोगे, चौथे दिन बच्चा भाग के खाना खाएगा, आपको उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये है कि जब बच्चे को भूख लगेगी, पहले के बच्चे तो कभी ऐसे करते नहीं थे, ये आजकल के क्यों करते हैं, इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी होती है। एज ए मॉम हम सोचते हैं कि यार बच्चा है भूखा है उसे खिला देते हैं, पर बच्चे बहुत तेज होते हैं और ये इस कमजोरी का वो फायदा उठाते हैं और वो फिर सारे टेंट्रम्स दिखाते हैं। हमें उनको टेंट्रम्स को रोकने के लिए थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ह्यूमन है हमें भूख लगती है, और जब हमें भूख लगती है तो हम ना फ़ोन देखते हैं ना टीवी देखते हैं ना सामने कौन सी डिश है ये भी नहीं देखते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप उनको भूख लगने दो, जब उनको भूख लगेगी तो वो ऑटोमेटिकली खाएंगे, तो आप उनको खाना दो, अगर वो खाते तो ठीक, पर उनके साथ ज़बरदस्ती ना करें, उनको खाना है तो खाएंगे नहीं खाना है तो नहीं खाने दे, नेक्स्ट मील दे, उसके बाद नेक्स्ट मील दे। हो सकता है आपका बच्चा एक दिन पूरा खाना ना खाए पर नेक्स्ट डे वो ज़रूर खाएगा, अगर वो नेक्स्ट डे भी ना खाए तो उसके अगले दिन तो कोई रोक ही नहीं सकता वो खाना खाने में, वो खाएगा ही खाएगा क्योंकि उसे भूख लग रही होगी। फिर उसके बाद आपको कभी भी उसके साथ कभी पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा, कभी भी ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि बेटा ये खा लो वो खा लो, बच्चा ऑटोमेटिकली आएगा टाइम पे खाना खाएगा और चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये करने के लिए थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चे को ऑटोमेटिकली जब छोटा बच्चा होता है तो वो रोता है तब हम उसे दूध पिलाते हैं, हम वो रोएगा नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि उसे भूख लग रही है। तो हमें हमेशा ऐसा करना चाहिए कि जब बच्चा रोए तो दूध पिलाते हैं, उसी तरह से बच्चों को थोड़ा जब वो बोले कि हाँ मुझे खाना खाना है, हर बच्चा साइन देता है, तो जब वो खाना खाने के लिए बोले, अगर बच्चा बड़ा बच्चा होगा तो बोलेगा, जैसे 3-4 साल का, अगर छोटा है तो वो इशारा दे देगा, तो आप जब बच्चा बोले कि मुझे खाना खाना है तभी उसे खाना दें। उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी करवाएं। होता क्या है कि जब ये लॉकडाउन लग जाता है, ये घर में बच्चे बैठे बैठे टीवी देखते रहते हैं, मतलब कुछ भी घर में ही रहते हैं, तो उनको फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है, तो उनका जो खाने की भूख होती है वो भी कम हो जाती है, और फिर हम सोचते हैं कि बच्चा तो कुछ खा ही नहीं रहा है। तो सबसे अच्छा है कि आप बच्चे को थोड़ा खिलाएं, थोड़ी देर उसे पार्क में लेके जाएं, अभी तो सेफ है नहीं, तो आप घर में भी कोई छोटा मोटा गेम खेल सकते हैं, थोड़ा उनसे दौड़ लगवाएं, जब कोई ना हो तब उसे पार्क में लेके जाएं। तो ये चीज़ें जब अपनाएंगे आप तो
उसके बाद क्या होगा कि बच्चा ऑटोमेटिकली खाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जब दौड़ भाग करता है बच्चा तो उसे भूख लगती है। हम भी जब कुछ एक दिन भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमें भी भूख लग जाती है, तो सेम चीज़ बच्चों के साथ होती है। तो जब आप बच्चों को भागने देंगे, कूदने देंगे, जब बच्चे दौड़ेंगे भागेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको भूख लगेगी, तो उनको फिजिकल एक्टिविटी भी आपको बढ़ानी होगी। तो आपकी बच्चे फ़ोन टीवी बहुत जल्दी छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चों को बाहर जो मज़ा है वो टीवी में नहीं है, वो फ़ोन में मज़े नहीं है। तो जब उनको ये चीज़ रियलाइज़ होगी तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आहन के साथ सेम यही चीज़ें हुई है, जब मैंने ये सारी चीज़ें अपनाई तो मेरे को बहुत जल्दी असर दिखा। जब वो बाहर जाता है उसे भूख लगती है, वो घर आके फटाफट खाना खा लेता है, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका बच्चा फ़ोन और टीवी को चुटकी में छोड़ के और खाना खाने लग जाएगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।